इससे अच्छा होता कि हम नारायण का भजन करते। ब्रह्मा जी बोले, अरे तुम हल्के में लेते हो, विधाता है, पूरा पावर है हमारे हाथ में, देखो अमर नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी जो कुछ मांगोगे सब कुछ दे देंगे, मांग लो क्या मांगना है। कश्यप बोले ठीक है कि आपके बनाए हुए किसी भी जीव से मेरी मत ना हो। बोले तथा सा, आपके बनाए हुए 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। बोले तथास्तु, किसी भी अस्त्र से शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। बोले तथास्तु, दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले तथास्तु, 27 नक्षत्र हैं इनमें मृत्यु ना हो। बोले तथास्तु, आकाश में या पाताल में मृत्यु ना हो। बोले तथास्तु, ना घर के अंदर मरू ना घर के बाहर मरू। बोले तथास्तु, अब हिरण्य कश्यप ने विचार किया, अब तो मैं अमर हो गया, अब मुझे किसी बात का कोई भय नहीं है। लेकिन जब हिरण्य कश्यप तपस्या करने गई थी तो पीछे घर पे कयादु जो हिरण्य कश्यप की पत्नी थी, हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र और थे, 5वें संतान गर्भ में थी, 2 पुत्र अहलाद और प्रहलाद, प्रहलाद अलग थे, प्रहलाद अलग थे, ये ननहाल में थे, लेकिन 2 पुत्र राज्य महलों में थे। पीछे से इंद्र आया और इंद्र ने आकर के हिरण्यकश्यप के 2 पुत्रों का बंदी कर दिया, कयादु को बंदी बना लिया और विचार किया जब ये पुत्र होगा इसका मैं वध कर डालूंगा। उसको बंदी बनाकर ले जाने लगे तो नारद जी मार्ग में आ गए। नारद जी बोले, अरे इंद्र, कयादु को कहां लेके जा रहे हो? अरे आपको नहीं पता महाराज, ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है, मैं हिरण्यकश्यप के वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अरे इंद्र, तुमको मालूम है इस समय कयादु के गर्भ में स्वयं भगवान नारायण का भक्त निवास कर रहा है, ऐसा करो हमारी कुटिया पर छोड़ जाओ। कयादु को कुटिया पर छोड़ गई, प्रसव का वेग हुआ, पुत्र को जन्म दिया और पुत्र का नाम रखा पहला। नारद जी जब पहला गर्भ में था उस समय उनको वेद वेदांत का ज्ञान देने लगे। जन्म होने के बाद प्रहलाद को वेदांत का ज्ञान देने लगे। हिरण्यकश्यप तपस्या करके लौट के आए, उनको मालूम हुआ कि इंद्र आए और इंद्र ने आकर के मेरे 2 पुत्रों का वध किया है, कयादु को बंदी बना के ले गया, आज मैं इंद्र को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अमर हो गया हूं। बड़ी भारी सेना को लेकर के इंद्र को मारने को जाने लगे। मार्ग में नारद जी आ गया, अरे हिरण्यकश्यप ये क्या है, कहाँ जा रहे हो? अरे नारद जी, आपको मालूम नहीं ये इंद्र बड़ा कपटी है, बड़ा द्राचारी है, मेरे पीछे से आया, मेरी पत्नी को बंदी बना के ले गया, मेरे पुत्रों को बंदी कर लिया, अरे आज मैं इंद्र को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नारद जी बोले, अरे हिरण्यकश्यप तुम्हारी पत्नी तो मेरी कुटिया पर है, आपका एक पुत्र है जिसका नाम है प्रहलाद, चलो देखो आपके पुत्र को दिखाता हूं। हिरण्यकश्यप कुटिया पर गए, पुत्र को देखा, विचार करने लगा, इंद्र को तो बाद में देख लेंगे, पहले घर को चलते हैं, अपनी पत्नी को साथ लेकर के, पुत्र को साथ लेकर के घर आ गए। राजन अपने पुत्र को गोद में उठाया, बोले बेटा हमें हिरण्यकश्यप त्रिलोकी विजेता, देवता भी हमसे भय भय कांपते हैं, पहला तो बोले पिताजी त्रिलोकी नाथ तो केवल नारायण है,
नारायण के अलावा कोई त्रिलोकीनाथ हो ही नहीं सकता। क्रोध आ गया। अच्छा नारायण का नाम षंड अरुणों को बुलाया शुक्राचार्य के पुत्र थे। षंड अरुणों से कहा कि ले जा गुरुकुल और ले जाकर के इसको आसुरी विद्या से मिलाओ। षंड अरुण आसुरी विद्या सिखाने लगे लेकिन प्रहलाद पर क्या असर होता। सात दिन बाद प्रहलाद को बुलाया और प्रहलाद से बोले बेटा तुमने क्या सीखा सात दिनों में। बोले पिताजी मैंने बड़े सुंदर बात सीखी। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु कृष्णाराम पाद सेवनम आचरणम वंदनम दर्शनम मैंने सीखा था। इन कानों से परमात्मा की कथाओं का गुणगान सुनना चाहिए। कीर्तन जिभ्या से परमात्मा का नाम संकीर्तन करना चाहिए। स्मरण मन में परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। पाद सेवनम भगवान नारायण के चरणों की सेवा करनी चाहिए। अर्चनम वंदनम परमात्मा की अर्चना और वंदना करनी चाहिए। दास्यम परमात्मा का दास बनके रहना चाहिए। और सांख्य आत्म निवेदनम सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए। इतना सुनकर के हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को गोद से दूर राम से फेंक दिया। शटरवक को बुलाया। अरे हमने कहा था कि इनको आसुरी विद्या से मिलाओ। बोले महाराज बहुत प्रयास करते हैं लेकिन तो और भी दैत्य पुत्र हैं, ये तो उनको बिगाड़ने में तुले हुए हैं। सबसे कहते हैं कि नारायण का भजन करो, मेरे पिता कुछ नहीं कर सकते। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन हिरण्यकश्यप ने अनेकों प्रकार से अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, हाथियों के नीचे फेंकवा दिया, पर्वत से नीचे फेंक दिया, जल में डुबोने का प्रयास किया, काल कोठरी में बंद किया, अनेकों प्रयास किए। लेकिन जो भी कार्य करते हिरण्यकश्यप निष्फल हो गया। राजन हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम था श्रृंगिका, जिसको लोग होलिका भी कहते हैं। उसका विवाह दर्पणा चीनी के साथ हुआ। वो कामरूप देश के थे। जब सिंगिका को मालूम हुआ तो सिंगिका प्रहलाद को मारने के लिए आई और बोले भैया चिंता ना करना, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती। हे राजन उस नन्हे से बच्चे को सिंगिका अग्नि में लेकर के बैठी। लेकिन ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था अगर तुम इस वरदान का दुरुपयोग करोगी, इस वरदान का अगर तुम दुरुपयोग करोगी तो ये अग्नि तुमको जला करके भस्म कर देगी। आज सिंगिका ने इस वरदान का दुरुपयोग किया, प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। अग्नि ने प्रहलाद को नहीं जलाया लेकिन सिंगिका को जला करके समाप्त कर दिया। राजन अनेकों प्रयास किए गए। आज प्रहलाद को एक खम्भे से बांध दिया और बोले अरे दुष्ट आज मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुला अपने नारायण को। आप नारायण कहाँ रहता है? बोले पिताजी ये बताओ वो कहाँ नहीं है। बताओ वो कहाँ नहीं है, वो तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है। हरि व्यापर के सर बात्रिशमाना प्रेम से प्रगट होते में ही जाना।
प्रेम से पैदा तो वो तो नहीं जाना, प्रेम से पैदा तो वो नहीं जाना। पिताजी वो कौन नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जग ब्रह्मान्य है। बिना कश्यप बोले अच्छा कहाँ है? बोले मेरे अंदर है, आपके अंदर है, इस महल के कण कण में विराजमान है। बिना कश्यप बोले इस खंभे में, बोला इस खंभे में विराजमान है। क्या खंभे में भगवान है, नारायण है? बोले हाँ, इस खंभे में भी नारायण निवास करते हैं। बोले आज मैं तेरे नारायण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर नाकश्यप गदा को लेकर के अब जैसे प्रहार करने लगे, उस खम्भे से बड़ी तेज गर्जना होने लगी और महाराज देखते ही देखते वो खम्भा फटा, और खम्भा फटते ही उस खम्भे से नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान जय हो। नरसिंह भगवान का अवतार हो गया, आकाश के देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। राजन नरसिंह भगवान ने एक पल की देरी ना की, संध्या का समय था। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाया, महलों के बीचों बीच दहलीज पर ले आए, अपने जंघाओं पर रखा और बोले राजन अब तुम जिंदे नहीं बचोगे। हिरण्यकश्यप बोले आप हमको नहीं मार सकते। बोले क्यों? अरे हमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, तपस्या की है। क्या वरदान मांगा था? अरे हमने मांगा था कि ब्रह्मा का बनाया हुआ कोई भी जीव हमको ना मारे। तो भगवान बोले हमको कौन बनाता है? तो हमें कौन बनाता है? हम ब्रह्मा जी को बनाते हैं या ब्रह्मा जी हमको बनाते हैं? बोले आप ही बनाते हो ब्रह्मा जी को, बिल्कुल मरोगे। बोले हमने ये कहा था कि हमें किसी भी अस्त्र से शस्त्र से ना मरे। भगवान बोले आपको मारने के लिए तो मेरे नाखून ही काफी है, बिल्कुल मरोगे। अरे महाराज मैं फिर भी नहीं मरूंगा। अब क्या हो गया? हमने ब्रह्मा जी से कहा है कि आपके बनाए हुए 12 महीने हैं, इनमें हमारी मृत्यु ना हो। भगवान बोले आपको मारने के लिए 13वां महीना अधिक मास अलग से बनाया है, अब तो मरेगा, अभी नहीं मरेगा। अब क्या हो गया? अरे हमने कहा था ना हम आकाश में मरे ना पाताल में। बोले अभी कहाँ हो, आकाश में हो या पाताल में? बोले आपकी जमनाओं पर, बिल्कुल मरोगे। मार फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? अरे मैंने कहा था ना महलों के अंदर मरूं ना महलों के बाहर मरूं, अभी कहां हो, महलों के अंदर हो या बाहर हो? बोले दहलीज पर बीच बीच, ना घर के अंदर हूं ना घर के बाहर। जितने वरदान मांगे थे सारे वरदान भगवान नारायण ने उसी के मुख से पूरे कराए, और देखते देखते एक पल में अपने नाखूनों से उसके पेट। हे राजन, अंतड़ियों को निकाल करके भगवान नारायण ने अपने गले में धारण कर लिया। भगवान के क्रोध को देखकर के लगता है कि पृथ्वी समाप्त होने वाली है। देवता लोग भयभीत हो गए, माता लक्ष्मी के पास गए और लक्ष्मी से जाकर के बोले देखो देवी, भगवान के क्रोध को कोई सहन नहीं कर सकता। सबने भगवान की प्रार्थना की है लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। अब जल्दी चलो, अब जल्दी से जाकर के प्रभु के गुस्से को शांत कराओ। लक्ष्मी जी को अहंकार हो गया, लक्ष्मी जी के मन में अहंकार हो गया कि देखो तो सही, भगवान किसी के कहने से शांत नहीं हुए और मैं जाऊंगी तो मुझे देखते ही शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी जी आगे आगे, देवता पीछे पीछे। जैसे नरसिंह भगवान ने लक्ष्मी को देखा,
भगवान ने विचार किया अगर हम लक्ष्मी के कहने से शांत हो गए तो संसार के प्राणी क्या कहेंगे। अरे संसार के आदमी तो अपनी पत्नियों के बस में हैं, ये भगवान भी पत्नी के बस में हो गए। और भगवान ने एक ऐसी धार लगाई तो लक्ष्मी तो पागल हो गई और सीधी भाग गई कि ये मेरे पति पति नहीं, अगर मेरे पति होते तो मुझे देख के शांत हो जाते, ये तो कोई और है। सभी देवताओं ने प्रहलाद को आगे किया, प्रहलाद ने जाकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। जैसे भगवान ने प्रहलाद को देखा, भगवान ने प्रहलाद को देख करके अपने गोद में उठा लिया। भगवान इतने रोए कि प्रहलाद का सर भीग गया। भगवान बोले कि मेरे नाम के पीछे, मेरे चिंतन के पीछे तुमने पुत्र का दुख सहन किया, लेकिन मेरे नाम को नहीं छोड़ा, मेरे चिंतन को नहीं छोड़ा। योग चाहे तो योग निदारो, भोग चाहे तो भोग निदारो। हे पुत्र तुम योग चाहो तो योग दे डालो और भोग चाहो तो भोग दे डालो। मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालो, भक्ति तो लेन न देन भागे करो न डालो। बेटा एक बार तुम कह दो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वही तुम्हें दूंगा। एक बार तुम्हारा मुख खोलने की आवश्यकता है, मुझे देने में देर नहीं लगेगी। पहला हाथ जोड़ के खड़े हुए, पहला बोले प्रभु देना ही चाहते हो तो मुझे एक वरदान दो। बोले कौन सा? कि मेरे पिताजी ने जीवन पर्यंत आपका भजन नहीं किया, आपका नाम नहीं लिया, तो हे गोविंद अब कृपा कीजिए और मेरे पिताजी को मोक्ष दे दीजिए, मुक्ति दे दीजिए, बस मैं यही चाहता हूं। देखिए प्रहलाद ने क्या मांगा, अपने पिताजी के लिए मोक्ष, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बोले भगवान देना ही चाहते हो तो एक ही वरदान दो कि मेरे पिताजी ने जीवन पर्यंत आपका भजन नहीं किया तो मेरे पिताजी को मोक्ष मिल जाए, वो नरक में ना जाए। भगवान बोले हे पुत्र आपने देख रखा है कि मेरे गले में तुम्हारे पिता की अंतड़ियां हैं, ये मैंने क्यों धारण की है? क्योंकि इसी रक्त से तुम्हारा शरीर बना हुआ है। और हे पुत्र आपके जैसा पुत्र जिस कुल में जन्म ले लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियां मेरे धाम को प्राप्त हो जाती है। हे राजन आज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी का राज अभिषेक किया और समुद्र प्रांत को लेकर गए। वहां जाकर के दत्तात्रेय नाम के संत से भेंट की और वहां वार्तालाप होने लगी। बोली गोविंद भगवान की जय। देखिए वैसे भी टाइम काफी होता जा रहा है।